जिससे आपकी स्टडी परमिट कंडीशन वायलेट हो सकती है अब ये क्या होता है अच्छा आपको कनाडा का वीजा मिल गया आपको बॉर्डर पर स्टडी परमिट मिल गया उसके बाद कनाडा भी आ गए लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताता ना आपका एजेंट बताएगा ना कोई बताएगा ये लिखे हुए ठीक है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टडी परमिट होल्डर उसको जाके पढ़ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्टूडेंट करते हैं जिससे होता क्या है स्टडी के दौरान उनको कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन पी और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते टाइम पे पकड़ हो जाती है और वो बोलता है ओ आपने स्टडी परमिट कंडीशन वायलेट कर दिया जो कि आपको पता ही नहीं था कि आपने वायलेट कर दिया ठीक है तो उन सब के बारे में बात करूंगा वैसे तो यार एक हजार चीजें जिससे आप वायलेट कर सकते हो लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो दिमाग से निकल जाती हैं और उसके बारे में बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्लीज देख लो सिर्फ स्टडी परमिट मिल जाने से कैनेडा की पी नहीं हो जाती अगर लेनी है तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे और रूल फॉलो करने के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते स्टार्ट तो यार सबसे पहली जो आप स्टडी परमिट कंडीशन आप अनोइंगली वायलेट कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी क्लासेस बिगिन होने से पहले अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी दैट्स अ वायलेशन ऑफ योर स्टडी परमिट कंडीशन मैं बता देता हूँ क्यों

तो प्लीज अपनी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मत काम करना घंटा पे डेट किस डेट को आपने स्टार्ट किया कितने घंटे काम किया और जब आपने रिजाइन किया कब छोड़ा आपका फाइनल पे कब आया एक एक चीज सी को कैनेडिया रेवेन्यू एजेंसी को रिपोर्ट करनी पड़ती है एंड आई आर ये सब आपस में डेटा निकाल लेते हैं तो होगा ये कि आप दो साल पढ़ाई भी कर लोगे स्टडी परमिट में कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा वो जो आपने पांच दिन एक्स्ट्रा काम किया ना क्लासेस स्टार्ट होने से से पहले उसकी वजह क्लासेसू भी डिनाई हो जाएगा ठीक है और आपको आएगा डिपोर्टेशन नोटिस आएगा या फिर एक्सप्लेनेशन मांगेंगे डिपोर्टेशन नोटिस में दस दिन दिए जाते हैं आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा ओके पॉइंट नंबर टू यार देखो ये ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि फेल होने पे आपको कॉलेज से निकालेंगे कि नहीं मे भी जितना मेरे को नॉलेज है एक दो बार फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत बच्चे फेल होते हैं ठीक है सेमेस्टर में बीस कोर्सेज आपको बाईस कोर्सेज करने दो तीन में आप फेल हो गए नो बिग डील लेकिन अगर डी एन सी आ गया डिड नॉट कम्प्लीट कि आप क्लास ही नहीं गए आपने एग्जाम ही नहीं दिया ठीक है तो डी एन सी इज अ वायलेशन ऑफ योर स्टडी परमिट कंडीशन अभी इसके अंदर भी बहुत सारे वो आ जाते हैं कि अच्छा आपके पास पांच सब्जेक्ट थे एक में डीएनसी है इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल लेकिन लेकिन इस कंडीशन में आपको आना ही क्यों है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो अगर आप डीएनसी आ गया कि डिड नॉट कि आप क्लास नहीं गए आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो सी लिख के आता फेल नहीं लिख के आता तो फेल इज इज एक्सेप्टेबल नॉट तो DNC मत करना पार्टिसिपेट करो क्लास में जाओ फेल हो गया कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे कोर्स लेकिन डीएनसी नहीं लगनी चाहिए डीएनसी इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ योर स्टडी परमिट कंडीशन अगला पॉइंट है ऑथराइज लीव तो देखो ऐसा नहीं है कि आपका मान लो दो साल का कोर्स है उसके अंदर कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती आपको कोई लीव नहीं ले सकते ऑफकोर्स आप लीव ले सकते हो क्या पता घर पे कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए आपको छह महीने आठ महीने की लीव लेनी पड़ जाए लीव लेना इज एक्सेप्टेबल आई भी ये बात को अंडरस्टैंड करता है लेकिन अनऑथराइज लीव लेना इज नॉट एक्सेप्टेबल अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है आप इमरजेंसी अटेंड करो यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेजो कि ओके okay, मेरे को इमरजेंसी हो गई कैन आई प्लीज गेट एन ऑथराइज लीव तो वो आपको लेटर भेजेंगे यू आर टू टेक अ लीव ऑफ ईयर मंथ्स मंथ्स दैट इज एक्सेप्टेबल लेकिन यूनिवर्सिटी को बिना बताए कोर्स ड्रॉप कर देना ठीक है डिड नॉट कम्प्लीट जो मेरा पुराना पॉइंट था उसी से ये ब्रांच आउट हो रहा है कि बिना बताए यूनिवर्सिटी को कोर्स ड्रॉप कर देना और किसी को इन्फॉर्म ना करना दैट इज अ वायलेशन ऑफ योर स्टडी परमिट कंडीशन तो अगर आप फॉल या विंटर में मोस्टली अगर आप कोर्स ड्रॉप करते हो बिना यूनिवर्सिटी को बताए तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ योर स्टडी परमिट कंडीशन दैट मीन्स आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं थे ठीक है जैसा कि आपके स्टडी परमिट कंडीशन में लिखा है तो अभी जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया कि ऑथराइज लीव वाला ठीक है अब ऑथराइज लीव में भी ना अपने यूनिवर्सिटी से कंफर्म करो उनको मेल डालो कुछ भी हो मेल डालो अपने स्टूडेंट एडवाइजर ये सब ये सैलरी ले रहे हैं ना आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडवाइजर और इमिग्रेशन एडवाइजर उनको मेल डालो और उनसे पूछो कि भाई क्या मैं ब्रेक ले सकता हूँ क्या मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ खूब उनसे कनेक्ट में रहा करो टच में ला करो अनऑथराइज लीव लेना इज हंड्रेड एक स्टडी परमिट कंडीशन की वायलेशन है अगर ऑथराइज है नो बिग डील हो सकता है कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी हो गई कुछ भी हो गया ठीक है तो आई एस ए को मेल डालो इमिग्रेशन एडवाइजर को मेल डालो अपने यूनिवर्सिटी के एंड टॉक टू दम तो यार ये वाला पॉइंट आई डोंट थिंक मेरे को आपको बताने की जरूरत है 20 घंटे से ज़्यादा काम मत करो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि मैंने 22 घंटे किया मैंने 24 किया मेरा तो पी आर आ गया मेरा तो वर्क परमिट आ गया आ गया गुड जॉब हो सकता है ऑडिट ना हुआ हो सकता है ना पता लगाओ लेकिन एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एवरी सिंगल आर दैट यू हैव वर्क टू सी और आई तो सिंपल कीप इट अंडर ट्वेंटी आवर्स आई तो आई डोट थिंक ये किसी को बताने की जरूरत है अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाने जा रहा हूँ पूरा नहीं समझाऊंगा शॉर्ट में समझाऊंगा इसके लिए एक अलग पूरी वीडियो लगेगी और तो एक चीज़ होती है ट्रांसफर क्रेडिट्स मान लो मैंने फाइनेंस की डिग्री करी थी इंडिया में अंडर ग्रेजुएट में उस पर मेरे पे बहुत सिमिलर सब्जेक्ट थे जो मैं कनाडा में करने आया हूँ दोनों डिग्री का लेवल अंडर ग्रेजुएट ही माना जाता है ऑफिशियली तो मैं कुछ ट्रांसफ़र क्रेडिट जो मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे या किसी भी इंडिया के कॉलेज के थे वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ जिससे मेरे को तीन क्रेडिट मिल जाएंगे और मेरे को वो कोर्स नहीं करना पड़ेगा तो जैसे मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे को वहाँ से क्रेडिट्स मिल गए और मैंने यहाँ अप्लाई कर दिए तो मेरे को वो कोर्स नहीं करना पड़ा और उसके क्रेडिट्स मेरे को अवार्ड हो गए तो मेरे ढाई हज़ार डॉलर भी बच गए मेरा एक कोर्स करने का टाइम भी बच गया तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है अभी होता क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट ले लेते हैं ठीक है तो ऐसा होता है कि हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स हैं कि आपको मिनिमम इतने क्रेडिट इस यूनिवर्सिटी से करने हैं तभी आप फुल टाइम स्टूडेंट माने जाओगे या फिर आपको एक सेमेस्टर मिनिमम इतने क्रेडिट करने हैं तभी आप फुल टाइम स्टूडेंट माने जाओगे अभी आपने क्रेडिट तो ले लिए इंडिया की यूनिवर्सिटी के यहाँ पे कोर्स आपने दो ही करे एक्चुअली में आ, अपनी कनाडा की यूनिवर्सिटी में कुछ यहाँ पे एम की वजह से के होता ही है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहे तो यार बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स लेने की वजह से वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा अच्छा इसने कनाडा में तो यार 22 में से आठ ही सब्जेक्ट पढ़े बाकी का तो इसने ट्रांसफर क्रेडिट ले लिया अपने दूसरी यूनिवर्सिटी से अपनी इंडिया की यूनिवर्सिटी से या प्रीवियस एजुकेशन से तो भाई तू कनाडा स्टडी परमिट आए क्यों था पढ़ने तो ये वाले कंसेप्ट की वजह से भी आपका पी जी डब्ल्यू भी डिनाई हो सकता है और आपकी पी आर भी डिनाई हो सकती है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स लेने की वजह से आप फुल टाइम स्टूडेंट ही नहीं रहे ठीक है

तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ मैंने अप्लाई टू ग्रेजुएट पे क्लिक कर दिया था जैसे मेरा है और मेरे को यूनिवर्सिटी ने तीन चार दिन फाइनल कन्फर्मेशन भेज दिया ग्रेजुएशन अवार्डेड जैसे ही मेरे को वो मैसेज दिखा आई no हुआ अब मेरे पास 90 डेज हैं अपना वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए तो यार उसके बीच में तीन दिन का गैप था मेरे को ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चाहिए थी वर्क परमिट के लिए फोटो खिंची थी उस गैप के बाद मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया तो उस तीन दिन मैंने काम नहीं किया क्योंकि तो मैं नहीं कर सकता तो मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में एक कोर्ट केस का लिंक डालूंगा उसमें यही हुआ था कि बंदे ने क्या किया आ, बंदे ने ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद जब पीजी पी अप्लाई किया बॉर्डर पर जाके दो तरीके से अप्लाई होता है ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है तो उसने फ्लैग पोलिंग करी बॉर्डर पर जाके अप्लाई किया एंड उससे पूछा कि आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपने काम किया कि नहीं

के जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो बना दी आपने यूट्यूब पे कहीं पे देख लिया डोंट जस्ट स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम या अपना स्टूडेंट स्टेटस चेंज करो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जस्ट वीडियो देख के मत किया करो हर कॉलेज में एक इमिग्रेशन एडवाइज़र ज़रूर होता है और हर कॉलेज में एक स्टूडेंट एडवाइज़र ज़रूर होता है अपने स्टूडेंट एडवाइजर से बात करो अब बात करने का मतलब होता है मेरी जब भी मैं बोलूँ ना बात करो बात करने का मतलब है ई भाई मेरे को रिटर्न में बात अच्छी लगती है मेरे को वर्बल बात अच्छी नहीं लगती ई में रिटर्न में लो कि भाई कैन आई वर्क फुल टाइम वो बोले नो तो नो यस तो यस डाउट है, है, है किसी की देखा देखी में आके आप प्लीज काम मत करो बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है यार चालीस पचास हजार डॉलर आप स्पेंड कर रहे हो प्लस लिविंग कॉस्ट प्लस अपनी अच्छी खासी लाइफ छोड़ के आ रहे हो फिर पीजी पी ना मिले तो क्या फायदा है कि नहीं ठीक है थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए आई होप कुछ बहुत मैंने आपको नई चीज़ें बताई होंगी या फिर आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी ऑलराइट right, वीडियो देखते रहो सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छा लगता है बहुत मोटिवेशन मिलती है थैंक यू सो मच बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो